हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? सब ठीक है गाइस? तो आज हमारे पास जो वीडियो है, बहन की तेरी, ओ नहीं, बहन की शादी, स्टैंड अप कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ जी, आशीष सोलंकी। हाँ जी, ओके, हंसने के लिए हो जाएं तैयार। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी पहले कभी रिएक्शन दिया, कभी वीडियो देखा आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम। इसकी कमांड आ रही है? नहीं, किस स्टैंड अप कॉमेडी का किस कभी पंजाबी में देखा है? कभी स्टैंड अप कॉमेडी देखी है? खड़े होकर कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी। हां हां, खड़े होके कॉमेडी, खड़े होके कॉमेडी। हां, खड़े होके कॉमेडी। नहीं, पहले तो नहीं देखी, बैठ के देखी है कि कॉमेडी? हां, बैठ के देखी। सिट डाउन कॉमेडी देखी है? हां, कपिल शर्मा शो बैठ के होती है। क्यों वो खड़े नहीं होते? कॉमेडी है, खड़े होके फिर अपने जो स्टेज ड्रामे। हां, मतलब वही। चलें चलें चलें, स्टार्ट करते हैं वीडियो, और बिना किसी देर के तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। अपने परिवार के बारे में बताता हूं मैं। मुझे ना मेरे मां-बाप ने बहुत नाजों से पाला, मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करा, कभी कोई चीज दी भी नहीं, पर मना भी नहीं करा। इग्नोर मारा गंदा, कहते भौंकने दो, थोड़ी देर में खुद चुप हो जाएगा। मम्मी ऐसे बोलती थी, आज कुछ मत मांगियो, आज पापा का मूड खराब है। भाई पापा का मूड 6 साल खराब रहा, मेरी स्कूल की पैंट यहां से यहां आ गई। इकलौता बच्चा सर्दियों में कैपरी पहन के जा रहा। एक बड़ी बहन है इसलिए मैं भी हूं। तो उसके ना अभी रिश्ते का टाइम चल रहा है, जब घर पर रिश्ते वाले आते हैं ना। मैं एक दिन बाहर से घर गया और मेरे को ना बाहर समझ में आ गया वो लोग आए हुए, क्योंकि मुझे बाहर तक आवाज आ रही थी फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी की आवाज सुन तुमने, वैसी होती कि हे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कहा भाई साहब। उसमें बेवजह हंसते रहते, बेवजह के पानी मिलेगा, पानी हा, 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 पानी हा, हा, पागल हो गए हो क्या? पानी मांगा उन्होंने, मेरा बाप रावण बना हुआ इस बात पे। मंदोदरी, अरे जब रिश्ते की बात चल रही हो कोई ना वर्ड यूज नहीं करता, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अगर लड़के वाले ये भी पूछ लेना कि रात को सूरज उगता है क्या, तो मना नहीं करेंगे, बोलेंगे देखिए ईश्वर की माया है, हम क्या कर सकते हैं, आप हमारी बिटिया के बारे में सोचिए। ऐसे करे मेरे घर वाले, हमारी बिटिया वैसी, और मैं बैठो ऐसी नहीं है आपकी बिटिया, कटहल को काजू कतली बोल रहे हो? मेरी बहन तेरी अंदर से क्या किसकी बात कर रही है? इनकी कोई और भी बेटी है क्या? मेरी बात कर रहे हैं? That's a surprise. इतनी मैं नोट तो कर लूँ, ये सब करना भी तो पड़ेगा जो झूठ बोल रही है। देखो मेरी नहीं बनती अपनी बहन से, नहीं बनती तो बनती क्या होगी? देखो बेटियां घर की लक्ष्मी होती होंगी, उसने मुझ तक आने ही नहीं दी। कभी नहीं। पापा ना कंबाइन 10 रुपए पॉकेट मनी देते थे, बांट लेना, मुझे 2 रुपए देती थी वो, खुद 8 रुपए रखती थी। हमारे घर में कांग्रेस थी, कांग्रेस दिल्ली में तो कर ही सकते हैं। मैं राजस्थान में बीजेपी बोलता हूँ, मुझे जोक से मतलब सिर्फ। अच्छा, जान जिसकी पार्टी है उसके ही बोल रहा है। बेटर सेफ देन सॉरी। बहुत मेरे से इतना काम कराती थी वो, मेरे से किसी ने पूछा घर में कौन कौन है, मैं घर में माँ बाप और मालकिन। ये है मेरे घर में, मुझे लगता था मैं नौकर ही हूँ। ये 2 रुपए सैलरी है मेरी, मेरा एनुअल पैकेज है 24 रुपए का। मैं पड़ोसियों को मेल भेज रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, प्लीज 29 रुपए दे दीजिए, मेरा मंच खाने का मन है। इतना काम कराते थे यार। लड़कों को घर में प्यार से क्या बुलाते हैं? छोटू। वो नाम नहीं पोस्ट है तुम्हारी, तुम छोटू हो घर के। ये हमारी बेटी है, हमारा छोटू। छोटू पानी ले गया, छोटू नाच के दिखा, छोटू तो पिटेगा। इंडिया में ये भी तो है, कन्या है हाथ मत लगाना।
लड़का है कुचल दो। मैं फिफ्थ क्लास में था, मेरी बहन इतनी चंट है, मुझे ना स्कॉलरशिप के 1000 रुपए मिले स्कूल से ना, मेरे पास आई, भाई सुन रहा है आवाज में स्कैम, मतलब नॉर्मली क्या बोलती है, ओए कुत्ते, भाई तू अभी छोटा है, इतना बड़ा अमाउंट तू संभाल नहीं पाएगा, ये मुझे दे दे, कहीं कोई तुझसे ठग ना ले, वो तो ठग रही, कहीं कोई, मुझे नहीं पता था, यही यही, मैंने उसे पैसे दिए, मैंने उसे उन पैसों से दिन में 2-2 बार चौमिन खाते हुए देखा, ठगा तो मैं जा चुका, ठगा तो जा चुका, तब से मेरी लाइफ का एक ही मोटिव है, दीदी की शादी, आपको जाना होगा, मेरे फोन में नंबर सेव्ड है, पराया था, आपको जाना होगा, मेरे पूरे परिवार को पता है कितनी चंट है वो, पता एज अ फैमिली हमारा कलेक्टिव डर क्या है, कि उसकी विदाई के टाइम पे हमारी हंसी ना छूट जाए, कि वो रो रही हम नाच रहे वहां पे, उसकी गाड़ी में लात मार रहा हूं मैं, विदाई के बाद में सारी यू टर्न बंद करवा दिए, मैं तो सोच रहा था उसकी शादी के लिए कार्ड पे लिखा हुआ है 24 जुलाई सगाई, 25 जुलाई शादी, 26 जुलाई असली पार्टी, 26 जुलाई आजादी, मैं वो मोमेंट सोच रहा था जब वो दूल्हा उसे सिंदूर नहीं डाल रहा होगा, मैं कटा 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 कटा, और उसके लिए मेरे घर वाले हमारी बिटिया ऐसे कर रहे, जो दिख जाए घर में कहते ये पेंटिंग इसने बनाई, ये जो भी दिख रहा इसने बनाया, मैंने पैंट उठा के टांगे दिखा, मैं ये भी इसने बनाया, घुटना फोड़ दिया था मेरा, ये इसने बनाया, ये इसने बनाया, ये समोसा हीरा स्वीट लिखा इस पे, सोच के तो बोलो कम से कम, अगर समोसे इसने बनाए हैं तो चटनी पन्नी में क्यों पैक है, तुम घर बैठ के पैक करते हो क्या, ये इसने बनाया, वो सिर्फ 10 मिनट दूर थे, ये बोले से हमारा मकान भी इसने बनाया, ये ईंटें बहुत शानदार लगाती है, इसे ले जाइए आपके घर को मकान कर देगी, मुझे लगता था रिश्ते के टाइम पे सवाल जो है बदल गए होंगे, पढ़ाई आ गई इतनी में, कुछ नहीं बदला, वही सवाल, खाना बना ली तुम्हारा ढाबा है, क्या सवाल है, पर घर वाले हार नहीं माने, कहते खाना इतना बढ़िया बनाती है, उसकी खुशबू की वजह से आसपास की प्रॉपर्टी की रेट बढ़ेगा, इतना असली में कैसा बनाती है, उसकी बनी रोटी कुत्ते को दी, 3 दिन में उनसे बैठा रहा हूं, मैं नहीं खाऊंगा, लेके जाओ इसको, कहते आपकी बेटी सुबह टाइम से उठती है, टाइम से हमारे एरिया का मुर्गा यही उठाती है, वो 4 बजे उठता है, 3:15 बजे उठती है, ये उसे डांटती है, लेजी बिच, कहते आपकी बेटी हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग नेचर, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रही, ऑक्सीजन छोड़ रही है, तुम बस ले जाओ इसे, ये कल दिखने नहीं चाहिए, पता है इतना ओवरसेल क्यों कर रहे हैं, इतना बड़ा चढ़ा क्यों बता रहे हैं, देखो जब आपका उसमें फटा हुआ नोट होता है ना, पूरा सुनो, आप उसकी पट्टी से छुपा लेते हो और कोशिश करते बस नोट चल जाए एक बार, भैया सो के मोमोज कर दो, नोट मत देखना बिल्कुल भी, हैंस दीदी उसके लिए बुरा फील तो नहीं कर रही, मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूं, मत करो, बहुत चंट है वो, मैंने उसे शो दिखाया बुरा नहीं मानी, कितनी 10% मेरा, कैसे बताओ कितनी चंट है वो, मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, वो एक अमीर घर में पैदा हुई थी, उसने ठक ठक के हमें गरीब कर दिया, समझ रहे हो, लोमड़ी है वो, वहां लड़के की मां बैठी हुई ऐसे बोली, आपकी बेटी हमारी बेटी, और हमें पता है ये 1 महीने बाद बोलेगी, आपकी बेटी हमारी बेटी से भी चंट निकली, कहां ट्रेनिंग करवाई है इसकी, इसने अपने ससुर का सारा पैसा अपनी एफडी में करवा लिया, अब हम इसके यहां किराए पे रहते हैं,
वो लड़का देखा जो आया हुआ था, कोई भी आया था क्या तुम्हारे घर में? शीशा नहीं है? मुंह उठा के ब्याह करा दो हमारा। उसकी वाइफ ऐसी थी, उसे देख के लग रहा था जैसे कहीं पे किसी की जेब कटती है। तो सबसे पहले इस पे शक नहीं रहता कि मुझे तो ये वाला लग रहा है। उसे देखते मैंने और पापा ने अपना बटवा चेक करा पहले। ऐसे तो दूल्हे राजा है। मम्मी ऐसे बोली, लड़का लड़की अलग रूम में बैठ के बातें कर, और मुझसे कहती तू भी साथ बैठ, कहीं तेरी बहन को अजीब ना लगे। अजीब तो मुझे लगेगा ना, मुझे दोनों पसंद नहीं है। मैं बैठ क्या करूंगा वहां पे? लड़का से पूछ भी रहा, क्या हॉबीज है आपकी? मैं सच बताई, पैसे ऐंठना हॉबी है, लुटेरी है डकैत, गुंडी गुंडी, हाँ, सोर्स ऑफ इनकम फरेब, नॉन टैक्सेबल। मेरी भाई इतना गंदा काट रही है भाई उसका, मैं कह रहा हूँ क्या काट रही है? उससे इकोनॉमिक्स की बातें कर रही है, बिग बॉस देखती है वो। कहती मैं चेस में चैंपियन हूँ, लूडो में हार जाती है वो। पता है लूडो कैसे खेलती है? कहती पांच पे खोल दू एक उधार रख के। एक बार एक इतना भोला लड़का आया था, इतना भोला, उसे मैंने भगाया, मैं भग जाया से। अबे तेरी सैलरी में से तुझे पॉकेट मनी देगी ये। अब वो बंदा हर साल मुझे राखी बांधता है। ये लोग बातें कर रहे हैं, मैं रूम से बाहर आ गया, मुझसे देखा नहीं गया ये। मम्मी कह तू तो कुछ बोल, तेरी बहन है। मैंने कहा मैं बोलूंगा रिश्ता टूट जाएगा। नहीं बोल, कुछ तो बोल। मैंने पहले लड़के की तरफ देखा, मुझसे देखा ही नहीं गया। फिर मैंने फटे हुए नोट की तरफ देखा, मैंने कहा जीजू। लड़का भागा भागा आया, कहता मैं नहीं करूंगा शादी। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरे से बातों बातों में एटीएम पिन मांग रही है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, बहनों के साथ वैसे प्यार भी वैसे ही जो है ना, भाइयों का और वैसे शुगल मेला, और बहनें जो होती हैं फिर वो लड़के भी मूड बना के भी कर लेती हैं। आप लोग तो बखूबी वाकफ हो, सनी भाई तो अच्छी से वाकफ है। रात को 31 कितने का चूना लगा था? 3800 का, 3800 का चूना रात को लगा था, आगे 1 बजे खाना खाने चले गए। चले बाकी, हाँ बाकी ये है कि चले, कॉमेडी कैसी लगी स्टैंड अप? बहुत मजा आया, मजा आया, पहली दफा देखी और दिल जीत लिया भाई ने। चलें बाकी गाइस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।